चुड़ैल है चुड़ैल, और वहां भी मुड़िया पहरी। शादी वाले घर पे नजर रहती है उसकी, इधर दूल्हे की आंख लगी उधर दुल्हन को जगह ले जाएगी वो। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बॉलीवुड फैक्टर में। तो दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म स्त्री के बाद बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव एक बार फिर एक हॉरर फिल्म में नजर आने वाले हैं, और इस फिल्म का नाम है रूही। इस फिल्म में आपको डर के साथ साथ ढेर सारी कॉमेडी भी देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको इस फिल्म की स्टोरी, स्टार कास्ट और रिलीज डेट से जुड़ी सारी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। रूही इस अपकमिंग इंडियन फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजान ने, और डायरेक्ट कर रहे हैं हार्दिक मेहता, जो एक डायरेक्टर के साथ साथ बेहतरीन राइटर भी है, जिन्होंने 2020 में आई सीरीज पाताल लोक और 2017 में आई फिल्म ट्रैप जैसी बेहतरीन फिल्में लिखी और डायरेक्ट की है। तो अब चलते हैं मूवी की स्टोरी पर। इस मूवी की स्टोरी एक भूत के इर्द गिर्द घूमने वाली है, जो अपने हनीमून पर दुल्हनों का अपहरण करता है। और हाँ, इस मूवी में आपको जाह्नवी कपूर का डबल रोल देखने को मिलने वाला है, जिसमें एक का नाम रूही अरोरा और दूसरे का नाम अफजाना बेदी होगा। अब देखना यह है कि फिल्म स्त्री के बाद राजकुमार राव की ये फिल्म स्त्री को टक्कर दे पाती है कि नहीं। तो दोस्तों, इस तरह की हॉरर कॉमेडी फिल्म किस किस को पसंद है, आप मुझे नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो अब चलते हैं इस फिल्म के स्टार कास्ट की तरफ। तो इस फिल्म के लीड रोल में आपको राजकुमार राव के साथ जाह्नवी कपूर देखने को मिलेंगी, और इसके अलावा भी वरुण शर्मा, पंकज त्रिपाठी, रोनित रॉय, सीमा पाहवा जैसे कई कलाकार इस फिल्म का हिस्सा होंगे। तो अब बात करते हैं इस फिल्म को रिलीज कब तक किया जाएगा। तो दोस्तों, इस फिल्म को इसी साल 20 मार्च को रिलीज किया जाना था, पर इसकी रिलीजिंग डेट आगे बढ़ा दी गई है। अब इसे 20 मार्च की जगह 17 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह की नई नई मूवीज और वेब सीरीज के अपडेट लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।